मैं तो कहती हूँ इसे लेकर इस्लामाबाद चलते हैं और फिर वहीं से दुबई निकल जाएंगे। हमें कल ही इसका पासपोर्ट बनने दिया है, उसमें कम से कम 5 दिन लग जाते हैं, तब तक तो हमें यहाँ रहना पड़ेगा ना। आपने उसे सज्जाद के साथ कैसे भेजा? अरे भाई, मैंने तो इंसानी हमदर्दी में अरसल को उसके पास छोड़ा था और फिर कुछ काम करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आई हूँ। जब वापस गई हूँ तो वो अरसल को लेकर रफू चक्कर हो गया। अरसल, आप कहाँ चले गए थे? पता भी है ना, मामा आपको ना दिखे तो परेशान हो जाती है। मैं पापा के साथ गया था, बहुत मजा आया। पापा के साथ? माफी चाहता हूँ, अरसल बाहर जाने की जिद कर रहा था तो मैंने सोचा उसे बाहर घुमाने ले जाऊं। बहुत ही गलत हरकत की है तुमने। अगर अरसल को तुम्हें बाहर लेकर जाना था तो पहले मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी। क्या मुझे इजाजत मिल जाती? चलता हूँ। पापा आपसे फिर मिलने आएंगे। मुझे पापा के साथ जाना है। अरसल, अगर आपने कोई भी फजूल बात की ना तो मैं आपको बहुत डांटूंगी। मुझे पापा के साथ जाना है। अरसल, क्या कर रही हो? बच्चा है छोटा सा, वो तो जिद करेगा ना। वो जिद इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम उसके कान भर के लाए, वरना वो ऐसी बात कभी नहीं करता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम गलत सोच रही हो। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। जाओ। आप कहीं नहीं जाएंगे। जो मेरी जिंदगी है मुझे से अजनबी है, वो ही किस्मत है मेरी दुखों में जो खुशी है जान से मेरी क्यों फासला रे, है जान से मेरी क्यों फासला रे। क्या आरज़ू थी क्या हो गया रे, के जो था वो सब ही खो गया रे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन कहाँ? वो अंदर है, सज्जाद आया हुआ है ना, अरसल को कहीं लेके गया हुआ था। दोनों बाप बेटा अंदर हैं तो वो बात कर रही है सज्जाद से। तो ठीक है, फिर हम भी अंदर चल के बात करते हैं। एंड आई थिंक आज हर बात क्लियर हो जानी चाहिए। चलो, फिर क्या फैसला किया नौशीन तुमने? चल रही हो हमारे साथ? अरसल के बगैर नहीं। मुझे अरसल से नहीं, तुमसे प्रॉब्लम है। उसकी वजह से तुम हम माँ बेटे को, हत्ता कि खुद को भी इग्नोर करती हो। ये बहुत अनफेयर है। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, ये आप लोगों के खानदान का मामला है। सज्जाद बेटा, मेरे ख्याल में आपको रुकना चाहिए क्योंकि ये आपके बेटे के फ्यूचर का भी मसला है, इसलिए आपको रोका है मैंने। अरसल सिर्फ मेरा बेटा है और उसके फ्यूचर का फैसला भी सिर्फ मैं ही करूंगी। तुम चुप रहो रोशनी, तुम्हारा इस मामले में बोलना ज़रूरी नहीं है क्योंकि तुम दिमाग से नहीं बल्कि जज्बात से सोच रही हो। तो इसका मतलब है आप सब लोग यहाँ पर इसलिए बैठे ताकि मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर सके? रिलैक्स नौशीन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में अरसल को 1 हफ्ते यहाँ और 1 हफ्ते सज्जाद के पास रहना चाहिए क्योंकि सज्जाद का भी हक है उस पर। मुझे इस फैसले से कोई एतराज नहीं और मेरा ख्याल है ये बेस्ट डिसीजन है। लेकिन मुझे एतराज है, मैं अरसल को किसी के भी साथ रहने की इजाजत नहीं दूंगी और वैसे भी मुझे शख्स पे भरोसा नहीं है, ये कभी भी उसे बाहर लेके जा सकता है। ये तो नौशी बिल्कुल ठीक कह रही है। सज्जाद अगर 1 घंटे के लिए अपने बेटे से रोजाना मिलना चाहता है तो ठीक है, मिल ले, लेकिन अरसल को सज्जाद के पास छोड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं। सज्जाद, बेटा तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? आप लोगों का हर फैसला मुझे मंजूर है। तो भाई ठीक है, फैसला हो गया। अरसल सिर्फ मेरे साथ रहेगा। मैं पापा के साथ रहूंगा। तन मन मेरा ऐसा जला रे, तन मन मेरा ऐसा जला रे, ना राख हूँ मैं ना कोयला रे। निमाय रे बाबूला रे, निमाय रे बाबूला रे। क्या कर रही हो सादिया? वो पैसे चेक कर रही हूँ ना, तो जमा पूंजी मैंने इसमें जमा की हुई थी। तो इस वक्त क्या जरूरत आन पड़ी है? लेकिन मैंने इतने सारे पैसे जमा किए थे, गए कहाँ? आपने तो नहीं निकाल लिए? मुझे तो कभी कभी आप पे भी शक होता है, चोरी तो नहीं कर डाली। जवाब नहीं है क्या? बदले के तो जाए। ये कैसे खाली हो गया गुल्लक मेरा? सारे ही चोर है। देख लिए ना पैसे, अब ये भी ना कहीं उड़ा ले। छुपा लूंगी मैं इसको। शाम हो रही है, मेहमान आया ही नहीं अभी तक। आने वाला होगा, साथ चाय पियेंगे हम लोग। अमर कहाँ रह गया? रामीन पता नहीं कहाँ है। नौशीन आ जाओ। अम्मा कहाँ रह गई? हर वक्त पता नहीं कहाँ काम करती रहती हो। नौशीन जल्दी करो ना, चाय बनाओ। नहीं कब आएंगे सब लोग? इतनी देर से अकेली हूँ मैं, जल्दी आओ ना। अम्मा मुझे माफ कर दे अम्मा। मैंने बड़ा बड़ा दुख दिया आपको। देखो अम्मा, आज मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। इतना महंगा महंगा सूट दिया, जल्दी कर पैसे तो दे। हाय ये क्या दे रहा है? एक एक कुर्ता 10-10 हजार रुपए का है और तुम मुझे ये दे रहे? बाजी मैं कपड़ों के बदले बर्तन देता हूँ, ये तो आपकी इज्जत थी। जितने मेरे पास पैसे थे मैंने आपको दे दिए। अरे छोड़ मेरी गठरी, पकड़, नहीं चाहिए मुझे तेरे पैसे। चल निकल यहाँ से, शक्ल ना दिखाना अपनी। मेरी बच्ची के इतने महंगे कपड़े, इसको 500 रुपए में दूंगी मैं। चल दफाओ। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? पैसे के लिए घर की हर चीज दे दोगी? आप तो चुप ही करें, आपको क्या पता। अरे जिसके पास ज्यादा पैसा होता है दुनिया उसी को सलाम करती है। हमारे पास भी जब बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना, तो हमारी भी माशरे में बहुत इज्जत होगी। सादिया इतनी हवस अच्छी नहीं होती, क्यों करती हो ऐसी हरकतें? अरे मैंने क्या किया है? बल्कि मैं तो सोच रही थी कल ना पुरानी मार्केट में जाके कपड़े बेच के आऊँ, यहाँ तो कोई पैसे ही नहीं दे रहा। थक गई हूँ, थोड़ा सो जाऊँ। तंग नहीं करना आप मुझे। तुम किसी को नहीं छोड़ोगी, ना जिंदों को ना मुर्दों को। अल्लाह इस पर रहम कर। मेरी आशी के कपड़े। कई दिन से यही सब कुछ करती फिर रही है तुम्हारी माँ। अपने छुपाए हुए पैसे निकालती है, गिनती है, फिर रख देती है। यही करती रहती है। बेटा, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि देखो आपका तुम्हारी माँ को क्या हो गया है। मम्मी को कुछ नहीं हुआ अबू। इंसान सारी जिंदगी जिस चीज के पीछे भागता रहता है, कभी ना कभी किसी न किसी शक्ल में इंसान के सामने आके खड़ी हो जाती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पैसे की हवस उस पर इतनी हावी हो चुकी है कि उसे उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता। कुछ ऐसा ही हुआ है। ओ खुदाया, मेरा भी यही ख्याल था। फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद सादिया से चिढ़ने की वजह से मैंने ऐसा सोचा। आप ठीक सोचते थे अबू। मम्मी को पैसे के अलावा कभी किसी से मोहब्बत थी ही नहीं। उन्हें बस एक चीज से मतलब था, पैसा। कुछ करो बेटा, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। तो इलाज बीमारी का कराया जाता है, हवस का नहीं। और अम्मी बीमार नहीं है, अम्मी बीमार नहीं है। फाइनली अयान के आने के बाद हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अरे मेरा बेबी। जी मामा, मैं अपने दोस्तों को न्यू बेबी दिखा दूं? दिखा दे, लेकिन आपके छोटे भाई सो रहे हैं ना अभी, आपने उन्हें जगाना नहीं है। आराम से कमरे में जाए और दोस्तों को दिखा के आ जाए। फिर हमने केक भी काटना है आपके बर्थडे का। ओके, गो, जल्दी आएगा। प्यारा बच्चा। आओ वो कैंडल सुन रहे हैं। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Arsel. Happy birthday to you. अरसल, मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे जिगर, मेरे बच्चे, आपको सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। मैं आज आपकी सालगिरह पे आपके साथ नहीं हूं। इस बात का जितना दुख आपको है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख आपके पापा को। मगर मैं रहूं या ना रहूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी दो बातें हमेशा याद रखें। पहली ये कि आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, और दूसरी ये कि जितना आपके पापा आपसे प्यार करते हैं, उसे कहीं ज्यादा आपकी मामा आपसे प्यार करती है। आपकी मामा एक बहुत अच्छी इंसान है। नौशी, मेरा मतलब है नौशीन। नौशी कहने का शायद मैं खो चुका हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, यहां तक कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मगर एक बार, सिर्फ एक बार अपने आसपास चमकती रोशनियों को देखो, अपने साथ खड़े उन तमाम लोगों को देखो जो आज तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ खड़े हैं, और सोचो क्या मेरा फैसला दुरुस्त नहीं था? क्या तुम्हें वफा के बदले वफा नहीं मिली? लोग कहते हैं जो वफा करना जानते हैं वो मोहब्बत करना जानते हैं। मोहब्बत में कभी जुदाई नहीं होती, मगर मैं कहता हूं वो मोहब्बत है क्या जिसमें जुदाई का गम ना हो, वो वफा ही क्या जिसमें आंखें नम ना हो। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे सोच अहद को हम। वफा कर चले। वफा कर चले। तन मन मेरा ऐसा जला रे, तन मन मेरा ऐसा जला रे, ना राख हूँ मैं ना कोयला रे।